बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार काफी दर्द भरे दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले ही अक्षय कुमार ने अपनी मां अरुणा भाटिया को खो दिया। बता दें आपको कि अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया को गुजरे हुए 18 दिन हो चुके हैं। 8 सितंबर के दिन अक्षय कुमार की मां ने अंतिम सांसें ली। सोशल मीडिया के जरिए अक्षय ने इस दुखद खबर को शेयर किया और अपने दिल के दर्द को बयां किया। अक्षय कुमार अपनी मां के बेहद करीब थे और हमेशा ही उनके साथ वक्त बिताते हुए भी देखे जाते थे। बता दें आपको कि अक्षय कुमार की मां उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। बीते लंबे समय से बीमार थी और 3 सितंबर के दिन उन्हें मुंबई के हीरा नंदानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। जैसे ही अक्षय कुमार को खबर लगी कि उनकी मां की तबीयत काफी गंभीर है, अक्षय कुमार तुरंत ही लंदन से मुंबई वापस लौटे अपनी मां के पास। लेकिन 8 सितंबर के दिन अक्षय कुमार की मां इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। इस बीच देखा जाए तो जहां एक ओर अक्षय कुमार दर्द भरे दौर से गुजर रहे हैं, तो वहीं इस सदमे से उभरने की कोशिश भी कर रहे हैं। अक्षय कुमार अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर ध्यान भी दे रहे हैं और अपने परिवार का ख्याल रखते हुए भी देखे जा रहे हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने फैंस को एक गुड न्यूज दे दी है। दरअसल ये गुड न्यूज है अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को लेकर। बीते लंबे समय से फैंस इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म के रिलीज होने का। ऐसे में देखा जाए तो ये फिल्म अब भी रिलीज नहीं हो पाई है और इसकी रिलीज डेट को कोरोना वायरस महामारी के चलते कई बार आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो हाल ही में अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए गुड न्यूज दे दी है कि कोरोना वायरस महामारी में हालात ठीक होते ही महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल और थिएटर्स खुलते ही इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर में फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी, सुपरस्टार अजय देवगन, पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह और अक्षय कुमार एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खूबसूरत तस्वीर को शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा है, आज बहुत सारे परिवार श्री उद्धव ठाकरे को धन्यवाद कह रहे होंगे। 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र के सिनेमाघरों को दोबारा खोलने की परमिशन देने के लिए आभारी हूं। अब किसी के रोके ना रोकेगी, आ रही है पुलिस। इस तरह से अक्षय कुमार ने अपनी खुशी को जाहिर किया है। इतना ही नहीं, रोहित शेट्टी ने भी सोशल मीडिया पर इस गुड न्यूज को शेयर किया है। लिखा है, हमारे माननीय सीएम श्री उद्धव ठाकरे का शुक्रिया। फाइनली महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से सिनेमाघर खुलने जा रहे हैं। अब कह सकते हैं कि इस दिवाली आ रही है पुलिस। वेल, बता दें आपको कि अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी पिछले साल 24 मार्च में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते फिल्म रिलीज होते होते रुक गई। ऐसे में देखा जाए तो अब 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सिनेमा हॉल और थिएटर्स खोलने की परमिशन दे दी है, फैसला कर लिया है और अक्षय कुमार के फैंस के लिए ये वाकई में बेहद बड़ी खुशखबरी है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।